बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैटरीना कैफ की एंगेजमेंट रिंग में लगा है नीलम रत्न। जानिए इस पत्थर के शुभ और अशुभ फल, एंगेजमेंट रिंग में नीलम रत्न होना चाहिए या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। दोनों की शादी के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दोनों का वेडिंग लुक तो सराहा ही जा रहा है। साथ ही कैटरीना के हाथों में नजर आ रही एक अंगूठी का भी खूब चर्चा हो रहा है और यह चर्चा में है। दरअसल इस रिंग को कैटरीना की इंगेजमेंट रिंग बताया जा रहा है। इस रिंग में नीले रंग का एक पत्थर लगा हुआ है। यह रिंग टिफनी एंड कंपनी द्वारा डिजाइन की गई है। यह नीला पत्थर कोई और नहीं बल्कि बेशकीमती नीलम है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नीलम को बहुत ही स्ट्रांग रत्न माना गया है और इसे पहनने के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देखे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के उपायों के लिए 9 रत्नों और कई उपरत्नों का जिक्र मिलता है। अगर रत्नों की बात की जाए तो हीरा, माणिक, पुखराज, नीलम और पन्ना सबसे प्रमुख रत्न है, मगर इन सभी में नीलम सबसे प्रभावशाली रत्न है। नीला रंग का यह पत्थर मनुष्य के जीवन को इस कदर प्रभावित करता है कि या तो सब कुछ अच्छा होता है या सब कुछ बुरा। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर नीलम को तब पहना जाता है जब जातक को शनि ग्रह को मजबूत करना हो या फिर संतुलन बनाए रखना हो। नीलम रत्न की असली पहचान कैसे करें? आपको बता दें, इस रत्न की पहचान करने के कई तरीके हैं। असली नीलम पत्थर में इतनी शक्ति होती है कि इस पत्थर के आसपास जो भी हल्के फुल्के कण होते हैं वह उसकी ओर नीचे चले आते हैं। दूध में नीलम पत्थर को डाल दीजिए। कुछ समय बाद आपको प्रतीत होगा कि दूध का रंग नीला हो गया है। असली नीलम को अगर आप मुट्ठी में बंद करेंगे तो आपको गर्माहट का एहसास होगा। नीलम रत्न पहनने के अच्छे और बुरे प्रभाव क्या हैं? किसी एस्ट्रोलॉजर को पहले अपनी कुंडली दिखाएं और यह जान लें कि आपको नीलम पहनना चाहिए या नहीं। अगर आपको नीलम रत्न पहनने के लिए कहा गया है तो आपको सबसे पहले उसे परखना होगा और अगर सब कुछ ठीक रहे तब ही उसे आप धारण करें। नीलम को सीधा उंगली में धारण करने की जगह पहले आप कुछ दिन उसे तकिए के नीचे रखें और रखकर सो जाएं। आप उसे किसी कपड़े में बांधकर अपने पास भी रख सकते हैं। अगर आपके साथ सब अच्छा हो रहा है तो उसे धारण करें। अगर नीलम आपको सूट नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको बुरे सपने आना शुरू होंगे। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत तेजी से होता है। अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो आपको अपनी आंखों में भी तकलीफ होगी। अगर आपको नीलम लाभ नहीं दे रहा है, मतलब सूट नहीं कर रहा है, तो इसके प्रभाव आपको चोट लगने, आर्थिक नुकसान होने या फिर सेहत खराब होने के रूप में नजर आएगा। नीलम पहनने का सबसे ज्यादा असर सेहत पर होता है। अगर आपको नीलम सूट करता है, गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है, और अगर सूट नहीं करता है तो अच्छा भला आदमी बीमार पड़ सकता है। नीलम पहनते समय इन बातों का ध्यान रखें। नीलम रत्न बिल्कुल गोल नहीं चौकोर होने चाहिए। इसे चांदी की अंगूठी में जड़वा कर बाएं हाथ में पहनने। नीलम धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है और इसे प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करना चाहिए। संभव हो तो आधी रात में धारण करें। नीलम पहनने के बाद घर में
काम करने वाले नौकरों को कोई जरूरत की वस्तु अवश्य दान करें। इंगेजमेंट रिंग में नीलम होना चाहिए या नहीं, जो वीडियो जो मैं बता रहा था, इंगेजमेंट रिंग हमेशा अनामिका उंगली में जनरली लोग पहनते हैं, लेकिन इसको मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। और अनामिका जो है, जो सूर्य की उंगली है, सूर्य और शनि में शत्रुता है, इसलिए नहीं धारण करना चाहिए। नीलम शनि पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शनि की उंगली अर्थात मध्यमा में पहनना चाहिए। नीलम को कभी भी सूर्य की उंगली में ना पहने, क्योंकि शनि और सूर्य की एनर्जी मैच नहीं करती, इससे केवल नुकसान ही होगा। आपका रिश्ता तक टूट सकता है या फिर पार्टनर के साथ आपके हमेशा वैचारिक मतभेद रहेंगे। इस तरह से कहा जा सकता है कि नीलम जो है कि अंगूठी जो है वह कभी भी आपको इंगेजमेंट में धारण नहीं करनी चाहिए। किस राशि के लिए फायदेमंद होता है नीलम, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, तुला, वृषभ, वृश्चिक राशि वाले के लिए, के जातक के लिए नीलम जो है वह धारण करने के पहले कुंडली दिखा लें, मगर उन्हें इस रत्न को परख लेना चाहिए और अपनी कुंडली किसी जानकार से दिखा के तब धारण करना चाहिए। वृषभ लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए शनि जो है लाभदायक होते हैं, अगर यह पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कोई भी रत्न पहनने के पूर्व आप कुंडली की जांच करा लें, कुंडली दिखा लें, तब धारण कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।